लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया बैठक ले रहे हैं। फरीदाबाद लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक जारी। फरीदाबाद लोकसभा इलाके से जुड़े हुए सभी बड़े नेता इस बैठक में शामिल हैं। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान भी इस बैठक में मौजूद हैं। वहीं हरियाणा के प्रभारी दीपक बाबरिया जल्द हरियाणा का दौरा करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के तमाम बड़े नेताओं के साथ कांग्रेस की ये बैठक जारी है। बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में ये बैठक चल रही है। हमारे साथ राजा पटेल फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजा, फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं की बैठक ले रहे हैं दीपक बाबरिया, उदय भान भी मौजूद हैं बैठक में, तफसील से बताइए क्या मकसद है इस बैठक का? और बिल्कुल देखिए, लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। जिस तरीके से चाहे संगठन की बात करें या फिर प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। दूसरी बैठक दीपक बाबरिया जो कि कांग्रेस के प्रभारी हैं वो दिल्ली में कर रहे हैं। इससे पहले जिस तरीके से चंडीगढ़ में सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी, लोकसभा चुनाव में किस तरीके से संगठन को कांग्रेस को मजबूत किया जाए, सभी कार्यकर्ताओं के नमस को यहाँ पर टटोलते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले जो बैठक है फरीदाबाद जो लोकसभा है उनके तमाम जो कार्यकर्ता है, बड़े नेता है, वो बैठक में मौजूद है। इसके बाद गुरुग्राम की कल बैठक होगी, तो लोकसभा वाइज ये बैठक का सिलसिला लगातार डे बाय डे यहाँ पर चलेगा। पर एक बड़ी बैठक है क्योंकि पिछली बार 2019 के चुनावों की बात करें, दसों की दसों जो लोकसभा की सीट पर कांग्रेस को करारी हार मिली थी, उसको लेकर लोकसभा वाइज कहीं ना कहीं जो प्रभारी है वो मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में ये बड़ी बैठक लगातार जारी है जी। तो राजा, तमाम लोकसभाओं के लिए इस तरह की बैठक आयोजित की जाएगी? फरीदाबाद से इसकी शुरुआत हुई है। हमारी प्रदेश अध्यक्ष सुधवान से बात हुई थी, वो उन्होंने खुद जानकारी दी है खबर अभी तक से कि डे बाय डे आज फरीदाबाद लोकसभा की बैठक है और कल गुरुग्राम की रहेगी। आगे इसी तरीके से रोजाना ये जो बैठक है देखने को मिलेगी दिल्ली में जी। राजेश, बीच ये भी खबर है कि दीपक बाबरिया जल्द हरियाणा का भी दौरा करेंगे, इसकी शुरुआत कब से हो सकती है? और बिल्कुल देखिए, सभी जो लोकसभा 22 बैठक होने के बाद दीपक बाबरिया चाहे जिले लेवल की बात करें, ब्लॉक लेवल और सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे। हरियाणा दौरे पर भी दीपक बाबरिया जाएंगे। तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की बात करें, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मिशन 2024 को लेकर बीजेपी काम कर रही है, मिशन 2024 को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब एक्टिव नजर होती हुई नजर आ रही है, उसी कड़ी में ये बड़ी बैठक दिल्ली में देखने को मिल रही है जी। राजा, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।